और अब एक खास बात, आरजे रामझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश पानी की कमी से जूझ रहा था, वहीं अब पानी की अधिकता से जूझता नजर आ रहा है। लगातार हो रहे अकाल बारिश व ओलावृष्टि ने किसानों सहित आम रहवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं ग्रामीण इलाके और किसानों को मौसम की मार भारी पड़ते नजर आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। लगातार हो रहे ओलावृष्टि ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गर्मी धान के अलावा रबी की फसल खेतों में बोया गया है, जिसमें गेहूं, अरहर, तिवरा व सब्जी की फसलें प्रमुख हैं। फसल तो पूरा तरह से चंपट हो गई है। 20-30% ज्यादा गिरे भी कोटन नहीं हो, कहाँ कोई नहीं मिली मदद, अभी कुछ नहीं मिले। बारिश अभी तो नहीं आए थे, ग्रामीण मन तो अभी नहीं गए हैं। ऐसे में बारिश के साथ बर्फ के गोलों का आकाश से खेतों पर गिरना खेतों में लगे मासूम पौधों की जान ले रही है। शहरों में रहने वाले आम जनमानस को अंदाजा भी नहीं होगा इस स्थिति परिस्थिति में किसानों की क्या हालत होगी। उन्होंने जिसे कड़ी मेहनत से अपने खेतों में बोया है, उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखना शरीर से जान निकालने जैसा लगता है। वहीं दूसरी ओर पूरे विश्व को अपनी आगोश में लेने वाला कोरोना वायरस लगातार सुर्खियां बटोरते प्रसारित हो रहा है। मेरा नाम धनेश मंगेशकर, ग्राम पंचायत तरवरपुर, ग्राम बहा कापा से मैं किसान हूँ और मेरा 10 एकड़ का चना पानी के मौसम में पूरा सूख गया है। पानी में फल फूल नहीं लग पाया है, पूरा सूखा हुआ है और मेरा नुकसानी सरकार से मैंने ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे को कुछ अपना जो सरकार का मुआवजा आता है उसको मेरे को मिलना चाहिए। ऐसे करके मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मेरे चना का नुकसान मुआवजा मेरे को मिलना चाहिए। ये पानी से ही ख़राब हुआ है, पहले से नहीं हुआ है। अभी पानी गिरा है ना, उसमें पूरा फसल नुकसान हुआ है। पूरा चना डाला था मैंने 10 एकड़ में पूरा, हाँ पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर पूरा सरकार महकमा इससे बचाव के प्रचार प्रसार में डूबा नजर आ रहा है। मोबाइल का कॉलर ट्यून हो, रेडियो में हर मिनट आने वाले विज्ञापन या फिर टीवी पत्र पत्रिकाएं, हर जगह पर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। इस बीमारी के रोकथाम के प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में ऐसे वक्त में छुट्टियां घोषित की गई है जब परीक्षाएं सर पर है और सभी ओर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में ओलावृष्टि आग पर घी डालने का काम कर रही है। वर्तमान में हो रहे बारिश से छत्तीसगढ़ के दूरांचल कस्बों में रहने वाले ग्रामीणों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों के सर से छत छीन लिया है। वहीं ओलावृष्टि ने मछली पालन करने वाले कृषकों के तालाब की मछलियों से प्राण छीन लिया है। तेज आंधी तूफान व ओलावृष्टि से लोग घर से निकलना बंद कर दिए हैं, जिससे व्यापारियों का व्यापार भी मंदा हो चला है। चना गेहूं भी हो गए, मसूर चना गेहूं पूरा सब हो गए, पानी पूरा गिरे थे। ये पूरा लेके चल देगा। लगातार बदलते मौसम के मिजाज से यह स्पष्ट है कि लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण ने वायुमंडल पर खासा असर दिखाया है, जिसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ की मार अल नीनो और ला नीनो के रूप में सामने आ रही है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में भी बारिश का मौसम देखने को मिल रहा है। समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं खोजा गया तो वह दिन दूर नहीं कि जीवन देने वाली जल पूरे धरती को प्राण रहित बना देगी। करीब करीब 8 से 10 एकड़ पूरा क्षतिग्रस्त हो गए, देख लो ना पूरा का है, देखो चना है पूरा नीचे पूरा काला हो गए है, पूरा नहीं बराबर है, कोई मतलब नहीं। इला करीब करीब 3 लाख खर्चा हो गए, निंदाई करवाए, बुआई और कीटनाशक 3 लाख खर्चा हो गए करीब करीब। फसल बीमा है। पंडरिया से विष्णु प्रसाद श्रीवास, राजनांदगांव से पारस मणि व मुंगेली से पोखराज खांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रामझाझर है।